हाय गाइस, दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि हम अपने यहाँ पे भी कैसे जॉब में क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, मेरे बॉस में क्या काम चलता है, क्या नहीं काम चलता है। दोस्तों एटलीस्ट हमारा जो टाइमिंग है ना वो सुबह ही 11 से 7 का है और हम 7 बजे तक अपने ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों देखो हमारे यहाँ पर कुछ लड़के काम करते हैं, किस तरह काम करते देखो। देखो दोस्तों ये प्रिंट है, ये प्रिंट हमने निकाला था मशीन से और अब ये इन्होंने फिर पेस्ट किया शीट के ऊपर। दोस्तों ये शीट हमारी 5 mm की वाइट कलर की शीट होती है, ऐसे शीट होती है वाइट कलर की 5 mm की, और इस तरीके से फिर ये इसके ऊपर इस मशीन से पेस्ट किया जाता है दोस्तों, है ना। प्रिंट ऐसा होता है, देखो जैसे प्रिंट ही हमने यहाँ पर रख दिया करके, ये प्रिंट है हमारा बाबा जी का, ठीक है दोस्तों। और प्रिंट को फिर इस मशीन से यहाँ पर पेस्ट किया जाता है दोस्तों, है ना, रोल बाई रोल। और कटिंग होने के बाद में फिर ये यहाँ से कटिंग होता है, जैसे हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट के बाद में फिर इसकी कटिंग होती है, वो होती है ब्लेड से। देखो दोस्तों लड़का भी कटिंग करके आपको दिखाएगा सब कुछ इसके अंदर, और पूरा पीस आपको निकाल कर दिखाएंगे। दोस्तों ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है हमारा, छोटा ही है, छोटे से ही हमारे लोग यहाँ पर चल रहा है, हम जिसके पास जॉब कर रहे हैं अभी, हम ही सिर्फ 2 आदमी यहाँ पर काम करते हैं, और जब और बाकी काम बढ़ेगा तो तब जाके लड़के और यहाँ पर आ जाएंगे आराम से दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्नैक का, जो KFC कंपनी का होता है दोस्तों, उसकी प्राइस लिस्ट वगैरह है, जो भी बनाते हैं उसकी प्राइस लिस्ट हमने यहाँ पर दे रखी है। देखो दोस्तों इसने पार्ट्स काट कर एक साइड में फेंक दिया, जो वेस्ट है ये हमारे बनी हो जाएगा एक तरफ, मतलब अभी दूसरी कटिंग करेंगे यहाँ पर। घुमा लो उसको, घुमा लो एक बार। तो दोस्तों बस इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं यहाँ पर और हमारा चलता रहता है, और आपका बहुत प्यार अगर मिलता रहेगा तो दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों को, ताकि आपकी सपोर्ट हम अच्छे से मिल सके। देखो दोस्तों फिर अब दूसरा पार्ट लड़का कटिंग कर रहा है यहाँ पर रख के, इसको अच्छे से सेटिंग बिठानी पड़ती है इसके, उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पर कटिंग होती है। अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो पूरा प्रिंट ख़राब है दोस्तों, करीबन 1000 रुपये तक का नुकसान हो जाता है आराम से, इसलिए बड़े प्रेम से और अच्छे से ही ये काम करना पड़ता है हम लोगों को। तो दोस्तों बताना हमें हमारा आपको काम कैसा लगा, कैसे नहीं लगा दोस्तों, और आप बताओगे अच्छे से कुछ कमेंट्स में हमें लिख के बताएंगे, तो तभी हम लोग भी आपके लिए आगे से वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए प्रिंट्स के अलावा भी हमारे पास बतरा काम रहता है, जैसे लेटर वगैरह होगा, देखो लेटर रखा है ना दोस्तों वहाँ पर, लेटर बनाने का भी काम हम लोग करते हैं यहाँ पर, और एक प्रिंट निकलने वाला है पूरा कंप्लीट, यानी कि एक बार हमने पेस्ट किया था और ये 2 प्रिंट है, एक साथ में दोनों प्रिंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वो मेरे को भी शौक है अच्छे काम करने का, तो इसलिए हम लोग अच्छा अच्छा काम करते रहते हैं, और सफाई का काम हमारा कोई गंदगी का काम नहीं है कि भाई मिट्टी में काम कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, सफाई काम है, पैसा भले कम मिला लेकिन छूल जाता है दोस्तों। देखिए इस बंदे ने यहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर दी अपनी, और ये कटिंग करके अभी सारा सारा पीस अलग अलग निकल जाएगा दोस्तों, होने दो कटिंग होने दो, ये देखिए निकल गया पूरा। देखो दोस्तों मैं आपको अच्छा भी इसका नीचे का हिस्सा भी रह रहा है ना, काट दो उसको भी काट दूँगा, नीचे का हिस्सा और रहेगा, ये कटिंग होगा, हम इसको फिर कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों जो खड़ा होगा ना ये इसके ऊपर खड़ा होगा दोस्तों, देखो ये रखे ना स्टैंडी, इसके ऊपर रख के भी इसको रोड पर कहीं भी हम लोग अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। स्टैंडी हो या प्रिंट हो या फ्लैक्स हो या लेटर हो या सैनेज बोर्ड हो दोस्तों, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग और बाकी सब कुछ उसका कम्प्लीट काम हम लोग करके देते हैं, जहाँ से भी हमारे पास ऑर्डर आता है ऑर्डर के साथ हम लोग काम करते हैं। देखो दोस्तों अभी काट दिया इन्होंने, देखाइयो अंकल इसको मैं आपको खड़ा करके दिखाता हूँ, ये खड़ा करके फिर कैसा लगेगा देखना है दोस्तों। देखो ये मैंने पीस यहाँ पर खड़ा कर दिया दोस्तों, और देखो ये ऐसा लग रहा अच्छा है। ओके दोस्तों यही हमारे काम है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से बताना आपको कैसे लगे हमारे पिंडा काम, कैसा नहीं लगा, और अगर मेरे चैनल पर हम नए तो किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों थैंक यू।